जापान जल्द ही एक ऐसा ऐलान कर सकता है जो चीन की चालों और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर लगाम कसने का काम करेगा, और वो ऐलान होगा दोनों देशों की सीमाओं के बीच सड़कें बनाना। आखिर कैसे इस ऐलान से पाकिस्तान और चीन की हवा टाइट हो सकती है, देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत ने हाल ही में असम के डिब्रूगढ़ में बोगीबील ब्रिज बनाकर चीन की टेंशन बढ़ा दी थी, और अब एक और बार भारत सरकार चीन की चालों पर लगाम कसने का काम करने जा रही है। चीन ही नहीं बल्कि दुश्मन देश पाकिस्तान की नापाक हरकतों को भी करारा जवाब मिलेगा। पहले बात करते हैं चीन की सीमा से जुड़ी खबर पर। भारत सरकार चीन से सटी सीमा के पास 44 सड़कें बनाने की तैयारी कर रही है, ये बात CPWD की रिपोर्ट में कही गई है, जिनकी लागत करीब 21,000 करोड़ आएगी। ये सड़कें 5 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में बनेंगी। आपको बता दें कि भारत और चीन के करीब 4000 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के इलाकों में से होकर गुजरती है। ये सड़कें इसलिए बनाई जा रही है ताकि संघर्ष की स्थिति में सेना की तुरंत तैनाती हो सके। वहीं पाकिस्तान से सटे राजस्थान और पंजाब के इलाकों में भारत सरकार 2100 किलोमीटर लंबे मुख्य और संपर्क मार्ग बनाएगी, जिसकी लागत 5,400 करोड़ रुपए के आसपास होगी। दोनों देशों की सीमाओं पर ये सड़कें सामरिक दृष्टि के अलावा रणनीतिक तौर पर भी भारत के लिए काफी अहम होंगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी मिलना बाकी है। उनकी मंजूरी के बाद ये काम जल्द शुरू हो सकते हैं। खबर अपडेट की रिपोर्ट।